आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। लॉकडाउन के बीच छत्तीसगढ़ को 3 जोन में बांट दिया गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। चिन्ह जिले हॉटस्पॉट के भीतर कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सत्य राजपूत ने। ताम्रध्वज साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज आप एसपी और आईजी, तमाम प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और आईजी से आपने बात की, क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की जो घोषणा की उसके बाद से लगातार सभी विभाग उनके निर्देश पर मजबूती से कोरोना की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हमारे पुलिस विभाग की, गृह विभाग की एक बड़ी भूमिका है कि हर चीज को लागू करवाने के लिए, चाहे खाद्य विभाग, राशन दुकान में लाइन लग रहा हो, भीड़ हो, चाहे घूमने फिरने वाले हो, सब्जी मार्केट का हो, कि चौक चौराहे हो, कि अवैध दारू आ रही है या कुछ हो, तो सारे चीजों की जिम्मेदारी गृह विभाग के ऊपर आ जाता है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पूरे एसपी और आईजी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश, आपने नियम कानून के पालन के निर्देश के आदेश दिए हैं। आप ये जो जारी आदेश है उसके मुताबिक कौन कौन से क्षेत्र में छूट का प्रावधान है, कहाँ कहाँ किस नियम का पालन करते हुए कौन कौन से कार्य चालू होंगे? देखिए, अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है और उसके तहत हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार से उसका प्रारूप अभी जारी हुआ है, पूरी तौर पर उसको देख नहीं पाया हूँ अभी हुआ है इसलिए, लेकिन कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बैंकों के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में 20 तारीख के बाद 3 तारीख तक के उसको छूट दिया जाएगा डिस्टेंस का पालन करते हुए, ऐसा उसमें लिखा गया है। अलग अलग विभाग जैसे कृषि विभाग, उनके मंत्री, उनके अधिकारी उस पर अभी आंकलन करेंगे, आंकलन करके उसका आदेश उन लोग अपने ढंग से देना चाहेंगे। लास्ट और अंतिम सवाल, ये हमारे देश में या हम अपने राज्य की बात करें तो एक ऐसा वर्ग है जो रोज कमाता है और खाता है, जैसे मनरेगा की बात करें तो उसका भी केंद्र सरकार ने भुगतान भी कर दिया है, क्या इसमें काम शुरू अभी होगी? मनरेगा का काम तो चालू हो गया है हमारे यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश दे दिए हैं मुख्यमंत्री जी, और जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ डिस्टेंस बना के मनरेगा का काम चालू कर दिया गया है, और भी जहाँ जहाँ जरूरत होगा उसको चालू किया जाएगा। तो अभी आपने गृह मंत्री को सुना, जिनका साफ कहना है कि लॉकडाउन आप और हम पे निर्भर करता है, अगर हम नियम कानून एडवाइजरी का पालन करते हैं तो आगे इसका नतीजा देखते हुए इसको, लॉकडाउन को खोला जा सकता है, नहीं तो ये फिलहाल 3 दिन का जो दौर है वो डेमो के तौर पर है, इस पे निर्भर करेगा कि लॉकडाउन आगे और बढ़ाना है, सख्ती बरतने की जरूरत है या नहीं। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।